विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वहीं राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, तो दूसरी ओर निर्वाचन विभाग भी निर्वाचन के कार्यों में तेजी में जुट गया है। ऐसा ही नजारा गुरुवार को कोटी पैलेस स्थित प्रशासनिक भवन में देखने को मिला। यहां संभाग आयुक्त संजेश गोयल, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक महत्वपूर्ण बैठक ली। दरअसल यह बैठक राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में की गई। बैठक में सबसे अधिक मतदान करने वाले पर जोर दिया गया। इसके साथ ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण के कार्यों में भी तेजी लाने की बात कही गई। खास बात तो यह रही कि चुनाव में इस बार पहली बार 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधा उनके घरों पर ही उपलब्ध रहेगी। वहीं शहरी क्षेत्र में मतदान बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ये भारत निर्वाचन आयोग का नवीन प्रयोग है, जो पिछले बार 18 के विधानसभा चुनाव में नहीं था। उसमें यह है कि जो 80 प्लस वोटर हैं, वैसे हमारे सीनियर सिटीजन जिनकी आयु 80 से ज्यादा है, या जो दिव्यांग है, उनको अगर वो चाहते हैं, उनसे एक फॉर्म भराया जाएगा तो उनको घर पे वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। इस प्रकार की कौन सी योजना इस चुनाव को लेकर है? जैसे घर घर लेटर पहुंचाने का भी कार्य आपके द्वारा किया जाएगा चुनाव पर। मतदाता जागरूकता के लिए सबसे बड़ा टारगेट है कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। यद्यपि उज्जैन जिले का परसेंटेज ठीक है, 77-78% है, लेकिन उज्जैन के जो दो विधानसभा है, उज्जैन शहरी क्षेत्र, आमतौर पर शहरी क्षेत्र में पूरे देश में कम मतदान होता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि शहरी क्षेत्र में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए। वो संभव तब है जब मतदाता सूची सही हो। कई बार होता है कि मतदाता सूची में नाम गलत होते हैं, इसके कारण परसेंटेज कम शो होता है, तो दोनों में काम चल रहा है। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार मुझे इलेक्टोरल रोल के पुनरीक्षण के संबंध में इंचार्ज नियुक्त किया गया है, जिसके निर्देशानुसार मेरे द्वारा 4 जिले जो मुझे आवंटित हैं उसमें यह बैठक की जा रही है, और साथ में जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है उसका रिव्यू किया गया है, और साथ ही मेरे द्वारा कुछ मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किए कर BLOs के काम को देखा गया है। मुझे खुशी है कि यहाँ पे उस कार्य को काफ़ी अच्छे से किया जा रहा है, और आपका जो EP रेशो है लगभग स्टेट से पहले ऊपर ही है, और हाउस टू हाउस सर्वे की कार्रवाई, लोगों से फॉर्म प्राप्त करना, फॉर्म 6, 7 और 8 जिसमें नाम जुड़ने का होता है, 6 और 7 में नाम, जो अगर कोई व्यक्ति मृत हो गए या चले गए उनको नाम काटने का रहता है, और फॉर्म 8 में अगर कोई शिफ्टिंग हुई है, साथ में कोई संशोधन होना है तो वो होता है, वो फॉर्म प्राप्त किए जा रहे हैं, और उनको ERO जो हमारा BLO उसका ऐप है उस पर अपलोड किए जाते हैं, और समय अवधि में निराकरण किया जा रहा है। और ये मुझे खुशी है कि यहाँ जो भी फॉर्म प्राप्त हुए हैं उसमें सबसे अधिक निराकरण किया गया, और प्रदेश में सबसे कम पेंडेंसी यहाँ उन फॉर्म के निराकरण की है।